अभिनेताओं का तांता लगा रहता था, आज कोरोना के कारण वही वीरानी छाई हुई है। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी बंद कर दिया गया है। बीते दिनों आरजेडी और जेडीयू के दफ्तर भी बंद किए गए थे। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कार्यालय को बंद कर दिया गया है। इससे पहले जेडीयू और आरजेडी के कार्यालय दफ्तर जो थे उसको बंद कर दिया गया था। कोरोना महामारी जो है वो काफी व्यापक हो गई है। बात करें बीते दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की, तो जो बिहार में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वो करीब 6000 से ज्यादा संख्या है, जो पिछले साल से भी ज्यादा है। और पहली बार इतने कोरोना संक्रमित मरीज बिहार में पाए गए हैं। इसके बाद आनन फानन में जो जेडीयू कार्यालय था उसे तो बंद कर ही दिया गया है, और बीजेपी कार्यालय भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे संजय जायसवाल आते थे, लगातार लोगों से मुलाकात करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, लेकिन जो कोरोना महामारी है वो सब कुछ ठप कर दी है। बीते दिन से जो कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी IGIMS में एक कोविड डेडिकेटेड वार्ड बना दिया है, जिसमें 50 बेड भी लगाए गए हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, ये जो मामला है वो काफी संगीन हो गया है। कुछ मंत्री भी हैं बिहार सरकार के जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हालांकि कल कोरोना संक्रमित मामले के बढ़ने के बाद सर्वदलीय बैठक है जो राज्यपाल द्वारा बुलाई गई है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि बात करें अलग राज्यों की तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जैसे हाल हो गए हैं, वहीं महाराष्ट्र में इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं कि वहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, नेशन न्यूज, पटना।